हे गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और जैसे कि मैंने कहा था, हम इस चैनल पे नॉर्मली उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे, उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं जिन पे यूट्यूब पे कोई फोकस नहीं करता है भैया। मतलब हम उन लोगों के लिए मेनली कंटेंट डेवलप करते हैं जिन पे यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, जिनका कंटेंट यूट्यूब पे ना के बराबर है या होके भी अच्छा नहीं है। तो वैसे कंटेंट को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारी पूरी टीम के साथ बैठ के, और हम कोशिश करते हैं वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करने का। राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहला टारगेट गुजरात बोर्ड आईएससी के बच्चों को, हमने 11th 12th गुजरात बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के सारे कंटेंट को यूट्यूब पर 100% रिकॉर्ड करके छोड़ने की ठान रखी है। उस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अकाउंट्स के 12th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोज डाले हैं। इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड हमने डाल दिया है, उसी तो पूरा का पूरा हो गया, पूरी बुक हम छाप चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड के हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर्स डाल दिए। हम लोग अभी तीसरा चैप्टर का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंट्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 11th स्टैंडर्ड का, बहुत वीडियोज आ चुके हैं और भी आने वाले हैं। सो जरूर से अपने बाकी सारे दोस्तों को बताइएगा कि यह सब गुजरात बोर्ड के लिए भी कॉन्टेंट कम नहीं है, एक चैनल है जो आपके लिए सोच रही है। और मैं आपको ऑनेस्टली एक और चीज बता रहा हूँ, आपके कमेंट्स, आपके प्रेजेस, आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रेजेस हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं। हमें कितनी बार इंस्टाग्राम पे आके बच्चे बहुत कुछ लिख के भेजते हैं कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, आपने ये पढ़ाया, ये टॉपिक प्लीज पढ़ाइए, और हम सारे के सारे कॉमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। राइट, सो जरूर से बताइए, अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक परेशान कर रहा है या आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ पहले, लाइन वाइज तो सब होने वाला ही है, आप चाहते हो उस पर पहले फोकस किया जाए, तो सर 100% आई एम रेडी टू वर्क विथ यू। आज फिलहाल हम वापस से आए हैं 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑल अबाउट डिमांड। डिमांड का पहला वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। ये सेकेंड पार्ट है, मैंने कहा था मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं भी आपके सामने बना के दे रहा हूँ, उसके बाद में थर्ड पार्ट और रहेगा। डिमांड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको पूरा टाइम दिया है और हमने इस चैप्टर को तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है तीनों पार्ट को कंटिन्यूस बेसिस पे, लगातार बेसिस पे पढ़िएगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, तो ही कंटेंट पूरा समझ में आएगा, तो ही कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये सारे के सारे डिटेल्ड वीडियो है, इसके बाद में वापस इकोनॉमिक्स के फास्ट ट्रैक वीडियोस भी आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए चालू करेंगे उस पर्टिकुलर जगह से जहां पे हमने कल छोड़ा था। हमने कल छोड़ा था रीजंस, हमें देखना था रीजंस कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, क्यों ऐसा होता है कि भैया प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरती है और प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है। वो इनवर्स रिलेशन आज हम सीखने वाले हैं, उसका रीजन हम समझने वाले हैं। चलिए पहले कॉमन सेंस की बात समझते हैं। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड के लिए दो रीजन होते हैं, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन के दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है इनकम इफेक्ट और दूसरा रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सबसे पहला रीजन क्या होता है बच्चा? सबसे पहला रीजन होता है इनकम इफेक्ट, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इनकम इफेक्ट के कारण नॉर्मली डिमांड इंक्रीज होती है। जब कभी भी कमोडिटी की प्राइस गिरती है, सामने वाले बंदे की रियल इनकम बढ़ती है। प्लीज टर्म पे ध्यान देना, मैंने आपको कहा है कि सामने वाले बंदे की, सामने फैमिली की रियल इनकम बढ़ती है, और उसकी रियल इनकम बढ़ने से वो मार्केट में डिमांड बढ़ा देता है, इसके कारण गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप मुझे पूछेंगे सर रियल इनकम मतलब क्या, कुछ अलग हुआ? ऑफ कोर्स अलग हुआ। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है मॉनेटरी इनकम जो आपको मनी के टर्म्स में मिलती है, और एक होती है रियल इनकम। मतलब मॉनेटरी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ बट आपकी कमाई बढ़ गई क्योंकि आपकी सेविंग्स बढ़ गई है, तो उसे कहा जाता है रियल इनकम। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस हमारे मॉनेटरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भैया मैं आज भी 50,000 कमा रहा हूँ, मैं कल भी 50,000 ही कमा रहा था, सो मेरी मॉनेटरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट बिकॉज मार्केट में गुड्स के प्राइस कम हो गए हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा बचने लग गया। और बहुत पैसा बचने लग गया मतलब मेरी रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम बढ़ने से जो बचा हुआ पैसा है, उन पैसों से मैं मार्केट में कुछ एडिशनल कमोडिटीज की डिमांड करूंगा, जिसके कारण मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है। और हमेशा याद रखना कि हमेशा डिमांड सिर्फ और सिर्फ रेगुलर गुड्स की इंक्रीज होती है, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कभी भी इंक्रीज होती नहीं। इसलिए लाइन टिक कर लेना, नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट वेयर एज इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। राइट, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कभी भी बढ़ती नहीं है। मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, एक समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर लेबर था, राइट, वो लेबर 500 रुपीज हर वीक का अर्न करता था, हर हफ्ते का वो 500 रुपए कमाता था, 50
रुपए के 10 किलो चावल लेके आता था, 50 रुपए के 10 किलो चावल वो लेके आता था और उसके 500 रुपए खत्म हो जाते थे। अब पता चला भैया ये चावल जो वो 50 रुपए के लाता था वो चावल अब सस्ते हो गए, वो अब सिर्फ 30 रुपए के हो गए हैं। मतलब वो सिर्फ 30 रुपए में ही 10 किलो चावल ले लेगा, मतलब उसका ये पूरा का पूरा काम 300 रुपए में हो गया। तो जहां चावल खरीदने के लिए उसको 500 रुपए का खर्चा करना पड़ता था, अब वहां वही चावल वो 300 रुपए में ला पा रहा है। मतलब एक तरीके से उसकी इनकम में से 200 रुपए उसके पास बच गए। सो ये था हमारा इनकम इफेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीजन क्या होता है प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशन का? सेकेंड रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब भैया ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी सस्ती हो जाती है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, तो उसके आसपास वाले जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना वो ऑटोमेटिकली महंगा फील करने लग जाते हैं। वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स कंज्यूम कर रहे थे उनको अपने आप लगता है कि यार हमारा गुड्स तो बहुत महंगा है। वो महंगा नहीं है, उसके बाद वाला सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो गया है। सो जैसे ही हमारे कमोडिटी की प्राइस गिरेगी, हमारी कमोडिटी के आसपास के सारे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वाले कंज्यूमर हमारी कमोडिटी पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा उनका कमोडिटी तो बहुत महंगा है यार, हमारा कमोडिटी तो कंपैरेटिवली कितना सस्ता है। तो वो सब अपना कमोडिटी छोड़ के हमारी कमोडिटी परचेस करने आ जाएंगे और हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, याद रहेगा बच्चा। सो मैंने आपको दो चीजें बताई, सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि भैया इनकम इफेक्ट क्या होता है, फिर मैंने आज आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो सर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सर ये टॉपिक वापस से एग्जाम में आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, और आपको ये भी लिख देता हूँ दिस टॉपिक इज 100% अ पार्ट ऑफ एग्जाम्स, 100% दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ एग्जाम्स। चलिए बात करेंगे भैया ये क्या होते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे भैया लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता, मतलब बाकी सारी दुनिया में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरने पे डिमांड गिरेगी, बट ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स है या कुछ ऐसी पर्टिकुलर कमोडिटीज है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, इसलिए इन्हें कहा जाता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नंबर वन प्रेस्टीजियस गुड्स, चलिए बात करेंगे। सबसे पहला ये क्या होता है प्रेस्टीजियस गुड्स, आप लोगों ने सुना होगा प्रेस्टीजियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी सच में हमें लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, हम वो गुड्स इसलिए खरीदते हैं जिससे हमारा स्टेटस बने, जिससे लोगों के सामने हमारा वट पड़े कि भैया क्या बात है तेरे पास तो मर्सिडीज है, अरे क्या बात है तू तो बहुत सारा सोना पहन के घूमता है, अच्छा तुम्हारे पास डायमंड का नेकलेस है। सो दीज आर द थिंग्स जिन्हें कहा जाता है प्रेस्टीजियस गुड्स। ऑनेस्टली इन गुड्स की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इन गुड्स का हमारे पास कोई भी काम नहीं है, हम ये गुड्स इसलिए कंज्यूम करते हैं जिससे हमारे मार्केट में प्रेस्टीज इंक्रीज हो। अब ऐसे गुड्स की प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड कम नहीं होती है, उनकी डिमांड और बढ़ती है, क्योंकि भैया अब और वट पड़ रहा है। अच्छा सोना 5 लाख रुपए का हो गया 100 ग्राम, तो अब सोना अगर 5 लाख का हो गया तो क्या उसकी डिमांड कम हुई है? नहीं भैया और डिमांड बढ़ी है, क्योंकि सोने का पहले भी वैसे भी गोल्ड वॉज ऑफ नो यूज राइट, वो सिर्फ दिखावे के काम का था, आज भी गोल्ड वो दिखावे के काम का है। तो अब जितना गोल्ड महंगा होगा लोगों को दिखावा करने का और मजा आएगा, पीपल विल बाय मोर अमाउंट ऑफ गोल्ड, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता नहीं है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होती, आइदर डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी या डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड कम होने वाली नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, एंड दैट इज प्रेस्टीजियस गुड्स, इसे कहा जाता है प्रेस्टीजियस गुड्स। इसमें महंगी महंगी ज्वेलरीज, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, महंगे मोबाइल फोन, महंगी गाड़ियां, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ जाती है। आगे बढ़ेंगे सेकेंड पे एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, एकदम सस्ते वाले गुड्स। सर उन गुड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइस चेंज होने का, क्योंकि वो पहले से बहुत सस्ते थे, जैसे कि भैया माचिस की डब्बी, ठीक है, जब मैं आपके जितना हुआ करता था व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, माचिस 1 रुपए में 4 आती, अब शायद 1 रुपए की एक आती हो या 2 रुपए की एक आती हो, बट क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा यार, माचिस नॉर्मली हमारे घरों में मंदिर में पूजा में काम आता है। अब पूजा में पापा वो एक माचिस का डब्बा पूरे महीने चलाते हैं, तो वो अगर 1 रुपए की जगह 2 रुपए का भी हो गया तो हम भगवान को बोलेंगे नहीं भगवान ऑड डेज पे तुम्हारी पूजा करे चलेगा क्या? ना भैया नहीं फर्क पड़ता, वो ऑलरेडी बहुत चीप था, उसकी प्राइजेस बढ़ने से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। सेम वे हमारे घरों में मंथली एक्सपेंसेस करीबन करीबन अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हो तो आपका 40-50 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, जिसमें सब खर्चा आ जाते हैं, घर का भाड़ा आ गया या फिर हमारे खाने पीने के खर्चा आ गए
या फिर हमारे घर पे आने वाली सब्जियां फ्रूट सब कुछ आ गया इसमें, राइट, किराना विराना सब आ गया। अब आप सोचिए हमारा टोटल मंथली एक्सपेंस अगर 50,000 है, जिसमें एक नमक का पैकेट आता है, हर महीने एक नमक का पैकेट हमारे घर पे लगता होगा, वो नमक का पैकेट आता होगा 10 या 20 रुपए का, ठीक है। अब बाई चांस ये 10 या 20 रुपए का नमक का पैकेट किसी दिन 30 या 40 का हो जाएगा, तो क्या आपकी मम्मी सब्जी में नमक कम डालेगी? ये बोलेगी भैया नमक डबल हो गया है, प्राइस डबल हो गई है, कम खाओ? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसा वर्जा अगर ये सस्ता हो गया तो कौन सा खाने में 1 चम्मच नमक एक्स्ट्रा जाएगा? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल मंथली बजट में से सॉल्ट, नमक का हिस्सा सिर्फ 10 रुपीज है, जो एकदम इनसिग्निफिकेंट है। सो ये लो प्राइस गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड लागू होता नहीं है, क्योंकि भैया ये इतने सस्ते हैं कि इनके कारण, इनमें कम या ज्यादा होने से हमारे डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो इसलिए ये सेकेंड एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज वेरी चीप गुड्स, बहुत सस्ते वाले गुड्स, जैसे कि नमक हो जाता है, जैसे कि सुई सुई हो जाती है, बहुत सस्ती आती है, माचिस का डब्बा हो जाता है, बहुत सस्ता आता है, इन पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता नहीं है। तीसरा माय फेवरेट वन, दैट इज गिफ्ट एंड गुड्स। सर, गिफ्ट एंड गुड्स एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही यूनिक थियरी है। दिस थियरी वॉज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन, राइट। सर रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया कि भैया हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रहे हैं कि जब जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, बट मैं जहां रहता हूं उसके आसपास वाले लेबर एरियाज में ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए सच में प्रैक्टिस पे जाने की सोची। वो एक अपने आसपास वाले, अपने छोटे से, वो जिस घर में रहते थे, जिस जगह वो रहते थे, उसके पास में एक छोटा सा लेबर विलेज था जहाँ पे सब मजदूर रहते थे। वो उन विलेज में गए, उस विलेज में जाके उसने वहां के किराने वाले को पूछा, तुम्हारे यहाँ पे कौन से चावल ज्यादा बिकते? तो उसने बोला, सर हमारे यहाँ पे तो सस्ते वाले चावल ज्यादा बिकते हैं, हमारे यहाँ पे तो सब लेबर आते हैं खरीदने वाले, तो सस्ते वाले चावल ज्यादा बिकते हैं, तो इसलिए हमारा मैक्सिमम क्राउड सस्ते वाले चावल का ही है। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने पूछा, ये सस्ते वाले चावल कितने के है? तो उसने कहा, सर ये तो 20 रुपए किलो के है। तो सर रॉबर्ट गिफन ने देखा मार्केट में चावल नॉर्मली 50-60 रुपए के मिलते हैं, ये 20 रुपए किलो वाले चावल है, तो ये क्या एकदम इन्फीरियर क्वालिटी है? नहीं, वो इन्फीरियर क्वालिटी नहीं, वो सिर्फ सस्ते चावल है। मतलब वो चावल सिर्फ सस्ते, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, खाली सस्ते हैं क्योंकि वो बासमती की तरह लंबे लंबे नहीं है, वो टूटे हुए है, ठीक है। तो टूटे हुए तो खाने में न्यूट्रिशन आपको पूरा मिलेगा बट दिखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो बेचारे गरीब लेबर्स वो पर्टिकुलर चावल को कंज्यूम करते हैं। अब सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि चलो देखते हैं क्या इनकी प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड बढ़ती है। सर रॉबर्ट गिफन ने वही ट्राई किया। सर रॉबर्ट गिफन ने दुकानदार को बोला कि एक काम करो, आज आप इन चावल का प्राइस 20 की जगह 15 रुपए कर दो, भैया तुम्हारा जो नुकसान होगा मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, तुम इसका प्राइस आज 15 रुपए करो, मुझे मेरे लॉ को, मेरी थियरी को जस्टिफाई करना है। तो दुकानदार ने सर रॉबर्ट गिफिन के कहने पे प्राइस 20 की जगह 15 रुपए कर दिया। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वहां पे एक लेबर आया, वो लेबर हर हफ्ते का 10 किलो चावल लेके जाता था। कितना? 10 किलो चावल। मतलब मैं आपके लिए यहाँ पे आंकड़े लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगर वो 10 किलो चावल लेके जाता है, और उस जमाने में चावल था 20 रुपए का, ठीक है, मतलब वो हर हफ्ते 200 रुपए का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, हर हफ्ते वो 200 का कंजप्शन कर रहा है। अब सर रॉबर्ट गिफन के कहने पे दुकानदार ने चावल के प्राइस कर दिए 15 रुपए के, मतलब अब उसको देना पड़ेगा सिर्फ 10 × 15, मतलब उसको देना पड़ेगा 150 रुपए, मतलब उसकी इनकम बच गई है 50 रुपए से, ठीक है, 50 रुपए से उसकी इनकम बच गई है बाई 50 रुपीज। अब आपको क्या लगता है ये आदमी क्या करेगा? इसकी इनकम भैया 50 रुपए से बच गई है, तो क्या इसको क्या करना चाहिए? आपका हिसाब क्या कहता है, इसको 50 रुपीज का क्या करना चाहिए? और चावल खरीदने चाहिए, होना तो वही चाहिए, बट हुआ वैसा नहीं। जब वो लेबर आया दुकान पे, शॉपकीपर ने उसको कहा कि भैया चावल ले लो जितना लेना हो, आज 15 रुपए में दूंगा चावल 20 रुपए के। तो लेबर ने सोचा, क्या बात करते हो, जहां 20 रुपए के मैं चावल खरीदता था, आज वो चावल मुझे 15 रुपए में मिलेंगे, मतलब भैया मेरे तो मजे हो गए हैं। मेरे मजे कैसे हो गए? मेरे मजे ऐसे हो गए कि भैया मुझे अब 200 रुपए की जगह 150 रुपए में मेरा खाने का सामान मिल जाएगा, मतलब मेरे पास 50 रुपए बच जाएंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन 50 रुपए से इस बार संडे को बच्चों को थोड़े अच्छे वाले चावल खिलाऊं। तो उस लेबर ने क्या किया, उसने बोला, साहब एक काम करो, ये तो 10 किलो है, तो 10 किलो में परिवार का पेट भर जाएगा, अब ये 50 रुपए के तुम 1 किलो बासमती वाले चावल दे दो, अच्छे वाले चावल दे दो, इस संडे बच्चों को थोड़ा सा पुलाव वुलाव बना के खिलाता हूँ, बिरयानी बिरयानी बना के खिलाता हूँ, बच्चों को भी तो पता चले कि अच्छी चीजें क्या होती है। और यहाँ पे सर रॉबर्ट गिफिन की थियरी परफेक्ट निकली कि हर आदमी अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि जो उसने सुख नहीं पाए वो उसका परिवार पाए, उसके बच्चे पाए, इसलिए वो कोशिश करेगा कि जब कभी भी उसके पास थोड़ा पैसा बचेगा
वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा कि चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं, चलो आज बाहर खाना खा के आते हैं, चलो आज चौपाटी जाके आते हैं, चलो आज पिक्चर देख के आते हैं। वो एक दिन महीने में एक आध दिन थोड़ा पैसा बचा के थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे जाना चाहेगा। और इसलिए जब कभी भी ऐसी कमोडिटीज की प्राइस कम होती है, सर इनकी डिमांड बढ़ती नहीं है, इनकी डिमांड या तो कांस्टेंट रहती है या कम हो जाती है। इनफैक्ट वो बचे हुए पैसों से वो लेबर कुछ अच्छी कमोडिटी खरीदने चले जाते हैं। इसलिए इन कमोडिटीज पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थियरी बच्चा लोग, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। इस पर्टिकुलर जगह पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा नहीं, मतलब इनकी प्राइस बढ़ने पे, इनकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरेगी भी नहीं क्योंकि लेबर को उतना कंज्यूम करना पड़ेगा, और इनकी प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ेगी भी नहीं क्योंकि लेबर चाहेगा वो एक लेवल ऊपर जाए, बच्चों को एक दिन कुछ अच्छा खिलाए। दिस इज गिफ्ट गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेशल प्रेफरेंसेस। अब अगर उनकी वो स्पेशल प्रेफरेंसेस आ जाती है तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड लागू होता नहीं है। इन स्पेशल प्रेफरेंसेस को आप कभी कभार हैबिट्स का नाम भी दे सकते हो, और जहां पे हैबिट्स आ जाती है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं अपने टूथपेस्ट की, राइट? सो हर पर्टिकुलर बंदे को एक पेस्ट पसंद होता है। भाई कोई बोलेगा मुझे सेंसोडाइन चाहिए, मेरे दांत थोड़े से उस टाइप के, तो मेरे लिए वो पर्टिकुलर टूथपेस्ट अच्छा होता है। कोई बोलेगा नहीं मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए। अब वो टूथपेस्ट भले ही मार्केट में बाकी सारे पेस्ट से महंगा होगा, फिर भी वो आदमी वही कंज्यूम करेगा क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए एक अलग सा प्रेफरेंस है। तो जहां प्रेफरेंस आ जाता है, जहां हैबिट्स की बात आ जाती है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता नहीं है। उनकी प्राइस गिरने पे डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, साथ साथ में उनकी प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो बच्चा ये मैंने आपको आज सिखाया था एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी किताब ने 4 पॉइंट में खत्म कर दिया, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाकी इसमें आप 8-10 पॉइंट तक भी लिख सकते हो। देर आर मेनी अमाउंट ऑफ थिंग्स विच स्टिल हैव एक्सेप्शंस, राइट? जहां पे अभी भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैं आपको आज लेके जाऊंगा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए, इसमें दो चीजें आती है, एक आता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। सो प्लीज बच्चा ध्यान रखना, दोनों में कुछ फर्क है, मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहला, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है बच्चा? जबकि इंक्रीज एंड डिक्रीज कहा गया, भैया आजा आजा आजा, हाँ ये रहा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे अदर फैक्टर्स वर्क करेंगे, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, जबकि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। चलिए पहले एक डिस्कस करेंगे। सो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। पहले हम बात करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, खाली प्राइस चेंज हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है। चलिए सपोज करते हैं हमारी प्राइस जब 3 रुपए की थी, ठीक है भैया, तो हमारी डिमांड थी 3 की, हम 3 क्वांटिटी को डिमांड कर रहे थे जब हमारी प्राइस 3 रुपए की थी। अब बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, हमारी प्राइस बढ़ गई, तो सर जैसे ही हमारी प्राइस बढ़ेगी हमारी डिमांड कम हो गई, तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारी प्राइस बढ़ी हमारी डिमांड कम हो गई, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। वाइस वर्जा, हमारी प्राइस कम हो गई तो सर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है एक्सपांशन, इसे कहा जाएगा एक्सपांशन, याद रहेगा बच्चा। सो जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और जब प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसे कहा जाएगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं, बाकी सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आता नहीं है। सो इसे कहा जाएगा हमारा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। मैंने कहा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में सिर्फ अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस पहले भी 3 था जब डिमांड ये थी, फिर भी प्राइस आगे भी जाके 3 रहा जब डिमांड ये हो गई, और आगे जाओगे तो भी भैया प्राइस सेम रहेगी, डिमांड भले ही चेंज क्यों ना हो जाए। मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस हर लेवल पे कॉन्स्टेंट है, तो भैया किस चीज में चेंज है? अदर फैक्टर में।
आप अदर फैक्टर में आप चाहो जो डिटरमिनेंट ले लो, मैं आपको फिलहाल समझाता हूँ इनकम लेके। चलिए बात करते हैं, हमारी पहले प्राइस थी 3 रुपए, तब हमारी डिमांड थी 1 रुपए की, 1 यूनिट की, ठीक है। चलिए अब अचानक से हमारी इनकम बढ़ गई, भैया मार्केट में प्राइस कॉन्स्टेंट है, खाली मेरी इनकम बढ़ गई। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो भैया क्या होगा, मैं डिमांड को और बढ़ा दूंगा, मतलब मैं 1 यूनिट की जगह 3 यूनिट कंज्यूम कर लूंगा, राइट। और इनकम बढ़ गई तो भैया मैं डिमांड और बढ़ा दूंगा, 3 की जगह पे 5 यूनिट कंज्यूम कर लूंगा। सो यहाँ पे खाली मेरी इनकम चेंज हो रही है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो भैया मैं डिमांड को बढ़ा दूंगा, उसे कहा जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। वाइसा वर्जा, मेरी इनकम कम हो गई तो मैं डिमांड कम कर दूंगा, उसे कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। सो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा अगर कर्व राइट साइड जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड, अगर आपका डिमांड कर्व लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब डिक्रीज इन डिमांड। So, इसे कहा जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। इट्स नॉट नेसेसरी यू टेक ओनली इनकम ओवर हियर, यू कैन टेक अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक यू कैन टेक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लाइक यू कैन टेक सब्स्टिट्यूट गुड्स, यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के आप चाहो जो फैक्टर यहाँ पे ले सकते हो, आपका लॉ ऑफ डिमांड परफेक्टली काम आने वाला, आपका लॉ ऑफ डिमांड परफेक्टली चलने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जब भी आपको पूछेंगे दोनों में से कोई भी एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन पूछे या इंक्रीज डिक्रीज पूछे, बच्चा लोग स्केड्यूल भी बनाना एंड कर्व भी बनाना, एंड मेक श्योर आपके एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा हो। समझाया जो मैंने लिखना वही है, बट लिखने का तरीका टेक्सुअल वाला रखना, एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगेन ए वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। से नाम कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा और मार्केट डिमांड क्या होगा। जब एक अकेले बंदे की डिमांड लिखी जाएगी तो उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड, और जब ऐसे अकेले सब लोगों की डिमांड को मर्ज कर देंगे तो बन जाता है मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर प्राइस है कुछ कमोडिटीज की, ठीक है। अब खाली डिमांड ऑफ ए इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड ऑफ बी इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड ऑफ सी इंडिविजुअल डिमांड, तो ये अकेले अकेले डिमांड है तो इन्हें कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड, और जब इन तीनों लोगों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो भैया बन जाता है मार्केट डिमांड। जब इन तीनों की डिमांड प्लस हो जाएगी तो बन जाएगा मार्केट डिमांड। तो मैंने कहा था नाम कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ अ सिंगल पर्सन, वेर इज मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ द होल मार्केट, तो उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड। वैसे ही कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में एक एक का कर्व बनाओ, या आपने बनाया ए का डिमांड कर्व, फिर आपने बनाया बी का डिमांड कर्व, फिर आपने बनाया सी का डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड कर्व में आपको क्या करना है, आपको टोटल जो तीनों का प्लस करके आपने निकाला उसका एक फाइनल कर्व बना देना है, तो वो बन जाता है आपका मार्केट डिमांड कर्व। सब में फ्लो सेम रहेगा, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व ही रहने वाले, क्योंकि भैया डिमांड कर्व तो डिमांड कर्व ही रहता है, इंडिविजुअल हो गए मार्केट तो डजेंट मैटर्स, नेगेटिव स्लोपिंग ही रहेगा, बस एक थोड़ा स्टीपर कम होता है, एक स्टीपर ज्यादा होता है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। सो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड बहुत ही यूजलेस सा टॉपिक है, 2 मार्क में पूछ ले तो पूछ ले, बाकी नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आपकी स्कूल टीचर को आप पे कुछ ज्यादा प्यारा रखा और चाहते हैं पेपर इजी बनाए, चलो बच्चों मौज करो, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पेपर की लेवल थोड़ा सा अच्छा रखना होगा तो ये क्वेश्चन पूछना वर्थ नहीं है, इट्स वेरी यूजलेस क्वेश्चन, राइट बच्चा। आपको खुद को पता चला होगा, एक बार पढ़ते याद हो गया यार कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, सो यहां तक हमने देखा था अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और इसके साथ साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी पूरा फिनिश हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा सेकेंड पार्ट पूरा फिनिश हो जाता है, इसके बाद में हमारा लास्ट और फाइनल थर्ड पार्ट आने वाला है। थर्ड पार्ट होने वाला ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत है, वो मैं आपको हमारे तीसरे वीडियो लेक्चर में समझाने वाला हूँ। भूल के भी मिस मत करना बच्चा, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको इतने बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जितना शायद आपको कोई ना समझा पाए। इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट यस आई नो दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि मैं आपको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके सिखाऊंगा, सिखाता हूँ हमेशा से इकोनॉमिक्स, इसलिए इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट बच्चा। सो वापस से मिलेंगे हम हमारे तीसरे वीडियो में, जहां पे हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, और वो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज डिमांड पार्ट 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बाय बाय।